ये जून 2019 में खोया था। हम सुबह वॉक पे जा रहे थे 6 बजे, गाड़ी पे मेरे जो जीन्स पहनी हुई थी उसमें से निकल कर गिर गया था। हम वापस गए भी थे ढूंढने बट मिला नहीं। फिर हमने सुबह 10 बजे यहाँ रिपोर्ट लिखवाई थी। अच्छा, अब 2 दिन पहले कॉल आया कि आपका फ़ोन मिल गया है, तो हमें अच्छा लगा बहुत, आज आए कलेक्ट करने। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका पुरोहित है। ऐसा है कि हमारे थाना क्षेत्र में उम्मीद अस्पताल आता है जिसमें कि पूरे जोधपुर संभाग के लोग अपने परिजनों को लेकर और पेशेंट को लेकर यहाँ आते हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो ये होती है कि उनके कुछ न कुछ सामान या मोबाइल या वाहन या चोरी मिसिंग होते रहते हैं। इसको लेकर हम लगातार सजग थे, हमने इस तरह से मुहिम छेड़ रखी थी कि ये जो मोबाइल यहाँ से मिस हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं उनको वापस रिकवर करना है। इसी मुहिम के तहत हमने 50 मोबाइल रिकवर किए हैं। इसके लिए मैं हमारी टेक्निकल टीम जो थाने की है उसको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने अथक प्रयास किए इसके लिए और 50 मोबाइल चोरी के जो थे या मिसिंग थे उनको रिकवर करके हमने दीपावली से पूर्व एक तरह से उन लोगों को एक तोहफा देने की कोशिश की है जिनके मोबाइल मिस हो गए थे या गुम हो गए थे। और आप लोग जानते हैं कि जैसे ये मोबाइल सारे के सारे कीमती मोबाइल है, लेकिन इसकी कीमत को हम नहीं आंकना चाहते। हर चीज़ के साथ जो अपनी होती है उसके साथ अपने इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, और जो चीज़ अगर वापस से एकदम से जो जा चुकी है हाथ से वो वापस मिलती है तो उसके लिए खुशियों की कोई लिमिट नहीं रहती। हमने ऐसा एक प्रयास किया है दीपावली से पूर्व, और इसके लिए मैं मेरी टीम को जो खांडा परसा की टीम है उसने जो प्रयास किए उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। मोबाइल थे जिनकी सबके यहाँ गुम चुकी रिपोर्ट दर्ज है, और क्योंकि आपको पता है कि अस्पताल में स्पेशली ऐसा होता है कि जो परिजन आते हैं वो अपने फ़ोन कहाँ रखते हैं, कहाँ गुम होते हैं, कहाँ उनका कोई फ़ोन पड़ा है ले लेता है, उनको पता ही नहीं चलता। उस सिचुएशन में हमने उन फ़ोन के लगातार आईएमई नंबर से पीछा किया कि वो फ़ोन कब चालू होते हैं, और जब भी उनके फ़ोन वापस हमें लगा कि ये फ़ोन ऑन हुए हैं, किसके पास है, क्या है, उनसे हमने पहुँच करके वो फ़ोन वापस रिकवर किए हैं। ऐसा हमारा प्रयास रहा।